भारतीय रेल लाभ की अपनी संपत्ति है, ये तो आप बरसों से सुनते आए होंगे। ये नारा यानी स्लोगन अब बदलने वाला है, क्योंकि अब आपको बेहतर सुविधाएं चाहिए तो आपको इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब हम रेलवे की खबर आपको क्यों सुना रहे हैं, चलिए आपको बता देते हैं। असल में रेलवे बुजुर्गों की टिकट में दी जाने वाली रियायतों को खत्म करना चाहती है, यानी अब सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट पर किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। अब ये खबर कहां से आई है ये भी जान लीजिए। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से एक सांसद ने सवाल पूछा। सवाल था कि वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में मिलने वाले कंसेशन को फिर से कब शुरू किया जाएगा। इसी सवाल पर जवाब देते हुए अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कंसेशन को फिर से शुरू किए जाने की फिलहाल कोई आसार नहीं है, क्योंकि रेलवे ने पिछले साल यात्री सेवाओं पर 59,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी। अब 59,000 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। आपको बता दें 59,000 करोड़ रुपए कई राज्यों के सालाना बजट से भी कहीं ज्यादा रकम है। अब अश्विनी वैष्णव ने टिकट में दी जाने वाली रियायतें तो खत्म करने के पीछे और क्या तर्क दिए हैं ये जान लेते हैं। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक रेलवे के हालात फिलहाल ठीक नहीं है। रेलवे हर साल सैलरी बिल में 97,000 करोड़ रुपए और पेंशन बिल पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसके अलावा रेलवे फ्यूल खरीदने पर भी भारी भरकम खर्च करती है। बता दें रेलवे सिर्फ फ्यूल खरीदने पर ही 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। वहीं पैसेंजर सब्सिडी पर भी रेलवे ने खर्च किया है। पिछले साल रेलवे ने पैसेंजर सब्सिडी पर 59,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब जान लीजिए रेलवे को इन रियायतों को बंद करने से कितना फायदा पहुंचा है। सीनियर सिटीजन को रेल टिकट में रियायतें कोविड दौर से पहले तक मिलती थी, लेकिन कोविड आने के बाद से सरकार ने इनको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। लेकिन रियायत बंद करने से रेलवे को जबरदस्त मुनाफा हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में छूट बुजुर्गों को ना देने से रेलवे को 34,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। अब जब इतना बड़ा फायदा रेलवे को हो रहा है तो स्वाभाविक है कि रेलवे इसको कभी स्टार्ट नहीं करेगी। अब आपके मन में सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि कितनी रियायत सीनियर सिटीजन को मिलती थी। तो जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं, कोविड दौर के पहले तक 58 साल के ऊपर की महिला को रेल टिकट में 50% और 60 साल के ऊपर के पुरुष को 40% की छूट मिलती थी, लेकिन कोविड के दौरान ये सुविधा बंद कर दी गई। तो अगर आप भी सस्ती दर पर रेलवे में सफर करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।